अगर बात करें आदिपत, आप हमारे साथ बने रहिएगा और हमारे इनपुट एडिटर विपिन परमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी समझते हैं कि जिस तरह से जो ये तमाम मंत्रालयों का आज बंटवारा हो रहा है, किसके लिए क्या कुछ जो विभाग दिए जा रहे हैं वो कितने अहम होते हैं। विपिन, बात अगर यहाँ पर मनोहर लाल की कर ली जाए तो उन्हें ऊर्जा मंत्रालय और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट का जो मंत्रालय है वो सौंपा गया है। दो अहम मंत्रालय इस वक्त मनोहर लाल खट्टर के पास है, किस तरह से आप देखते हैं इसे? देखिए, दोनों मंत्रालय ऐसे दिए गए जिनका एक्सपीरियंस मनोहर लाल के पास जो है बेहद ज्यादा है। बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी ओर से पावर डिपार्टमेंट भी और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट जो है उसको संभालने का काम किया गया है। अब केंद्र की जिम्मेदारी उनके हाथों में सौंपी गई है। अगर बात करें हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री की और साथ ही साथ पावर मिनिस्ट्री की यानी कि ऊर्जा मंत्रालय की, अगर बात करें हरियाणा की तो हरियाणा में जिस तरीके से बिजली उत्पादक कंपनियां जो थी उसको अगर बात करें प्रॉफिट में लाने का काम और जिस तरीके से मनोहर लाल की ओर से ना केवल अपने आप इस मंत्रालय को देखने का काम किया गया लेकिन बाद में जब किसी मंत्री को भी दिया गया तो उसमें भी लगातार जो है मुख्यमंत्री के बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी ओर से सलाह मशवरा और जो है दिशा निर्देश दिए जाते रहे हैं। ऐसे में चाहे वो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की बात हो तो उसको लेकर भी एक विजन और साथ ही साथ एक बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस जो है वो मनोहर लाल के पास है और ऐसे में कहीं ना कहीं सोच समझ कर ये दोनों डिपार्टमेंट्स जो हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री व अब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को जो है वो देने का काम जो है वो किया गया है। तो लाजमी सी बात है उस एक्सपीरियंस का, उस 9.5 साल से ज्यादा के एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करने के लिए ही जो है जो पोर्टफोलियोज आवंटित किए गए हैं। खासतौर पर अगर हम मनोहर लाल के पोर्टफोलियोज को देखें तो लाजमी सी बात है इन पोर्टफोलियोज को देखकर एक बात इंडिकेट होती है कि एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज ये दोनों चीजें जो है बेहद मायने रखती हैं। जब भी आप किसी फील्ड में रहते हैं तो लाजमी सी बात है कि इस पोर्टफोलियो आवंटन में जिस तरीके से मनोहर लाल को ये दोनों डिपार्टमेंट्स दिए गए, हैंडओवर दिया गया है, जो एक्सपीरियंस उनके पास में है उसका इस्तेमाल करते हुए मनोहर लाल जो है इन दोनों डिपार्टमेंट्स का कार्यभार जो है वो संभालेंगे और जो है कहीं ना कहीं पहले जो है राज्य की जिम्मेदारी रहती थी एक बतौर राज्य के तौर पर आपको देखना होता था लेकिन आप पूरे देश में किस तरह की जो डेवलपमेंट है चाहे वो अर्बन एरिया की बात हो या हाउसिंग फॉर ऑल की बात हो, इसके साथ साथ ही पावर डिपार्टमेंट बड़ा डिपार्टमेंट है, इन दोनों डिपार्टमेंट्स की अगर बात करें अब सीधे सीधे जो है जिम्मेदारी मनोहर लाल के कंधों पर आई है। बिल्कुल विपिन, क्योंकि देखिए अगर बात कर ली जाए हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स डिपार्टमेंट की तो ये कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट प्रधानमंत्री मोदी के सपनों से ताल्लुक रखने वाला है क्योंकि आज भी कैबिनेट की जो बैठक हुई थी उसमें 3 करोड़ आवास को लेकर ये पूरी बैठक हुई थी और जिस तरह से अब ये मंत्रालय इस वक्त मनोहर लाल खट्टर के पास है तो उनकी जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मुख्य प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की जाए या फिर हाउसिंग फॉर ऑल की बात की जाए, ये वो प्रोजेक्ट है जिनको लेकर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है काफी संजीदा रहे हैं। अब कहीं ना कहीं उनकी ओर से जो विजन एक डॉक्यूमेंट करने का काम किया गया है या जिस चीज की शुरुआत की गई है उसकी अपेक्षाएं अब मनोहर लाल से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रहेंगी कि मनोहर लाल जो है अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए जो है इन डिपार्टमेंट्स की भागदौर को संभालें। और लाजमी सी बात है जिस तरीके से जो गरीबों को मकान देने की बात है या फिर जो कंतार में खड़ा अंतिम व्यक्ति है उसको पक्का मकान देने की बात है, जिस तरह से आपने जिक्र भी किया कि आज की कैबिनेट बैठक का ये बड़ा एजेंडा था, तो लाजमी सी बात है कि इस चीज को लेकर जो है एक विजन जो है अब मनोहर लाल को रखना होगा और उस विजन के साथ ही आगे बढ़ना होगा। क्योंकि जिस तरीके से मैंने पहले कहा कि अब आपका दायित्व बदल गया, अब आपका रोल बदल गया, अब आप केंद्र की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं यानी कि आपके पास मात्र 2.5 करोड़ की जनता का प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश की जनता आपके आप पर निर्भर है और आपके डिपार्टमेंट्स पर निर्भर है। लास्ट की बात है जिस तरीके का एक्सपीरियंस, जिस तरीके का अनुभव मनोहर लाल के पास है और एक्सेल के मास्टर माने जाते हैं, तो लाजमी सी बात है कि उस पूरे एक्सपीरियंस को जो है वो झोंकते हुए इन डिपार्टमेंट्स में अपने काम को कहीं ना कहीं प्रूव करने का काम जो है मनोहर लाल की ओर से किया जाएगा। बिल्कुल विपिन, क्योंकि एक लंबा अनुभव है मनोहर लाल खट्टर के पास राजनीति का, 9.5 साल वो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं और अब ऐसे में ये दो बड़े मंत्रालय उनके पास है तो जिम्मेदारी तो उनकी बढ़ी गई है, साथ ही साथ अब जो उनका तमाम जो एक्सपीरियंस था वो अब इन मंत्रालयों में हमें नजर आएगा।
देखिए बिल्कुल, कहीं ना कहीं जब आपको कोई जिम्मेदारी दी जाती है दो तरीकों से जो है आप उसे पूरा करते हैं, या तो आपकी बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट होती है या आपके पास उन चीजों को लेकर अनुभव होता है। एक्सपर्टीज के तहत जो है जब पोर्टफोलियोज का आवंटन इस तरीके से होता है तो हर आदमी का जो है वो बैकग्राउंडर चेक करने के बाद ही जो है प्रधानमंत्री और तमाम चीजें जो है वो उन चीजों को सुनिश्चित करने का काम करते हैं। और यहाँ पर ये जरूर देखा गया कि मनोहर लाल की एक्सपर्टीज क्या है, और जो 9.5 साल से ज्यादा का समय उन्होंने प्रदेश को दिया उसमें उनकी ओर से क्या कुछ काम जो है वो महत्वपूर्णता के साथ जो है वो किए गए, जिसमें की अगर बात करें तो ये दो डिपार्टमेंट्स की अगर बात की, जिस तरह से मैंने आपको बताया यूएचबीएन और डीएचबीएन की बात की जाए हरियाणा की, तो ये दोनों कंपनियां जो है वो घाटे में चलती थी, लेकिन बीच में एक ऐसा समय आया कि प्रॉफिटेबल जो है वो दोनों कंपनियां जो है वो रही और लाइन लॉसेस को कम करने का काम किया गया। इसके साथ साथ जगमग योजना की अगर बात करें, काफी सराही गई थी देश में कि हरियाणा में इस तरह की कोई योजना जो है वो लाई गई है, ढानियों से बिजली पहुंचाने का बात हो, ये तमाम एक्सपीरियंसेस और ये जो प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए, अब इन प्रोजेक्ट्स को लेकर देश में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी जो है इन चीजों की जरूरत है, उन जगहों तक इसको किस तरह से पहुंचाया जाए, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री भी और मनोहर लाल भी एक बात करते नजर आते हैं कि कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति तक हर चीज का लाभ पहुंचे। अब उस चीज को सुनिश्चित करने के लिए हर डिपार्टमेंट, आप जिस भी डिपार्टमेंट को देखें, जिस भी मंत्री को जो डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं, लाजमी सी बात है एक उम्मीद जरूर है प्रधानमंत्री की कि उन डिपार्टमेंट्स को देने के बाद जो है जो व्यक्ति सुनिश्चित किया गया है जिसके जिम्मे ये डिपार्टमेंट्स लगाए गए हैं वो अपनी जिम्मेदारी जो है बाखूबी निभाए और उसमें डिलीवरेबल्स जो है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण होता है इम्प्लीमेंटेशन। आप इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी मेकिंग का काम सरकार का रहता है, लेकिन साथ में पॉलिसी मेकिंग के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन कराने का काम भी सरकार का रहता है, तो अब उसको इम्प्लीमेंट किस तरह से कराया जाता है और किस तरह से दोनों विभागों की अगर बात करें, दोनों प्रमुख विभागों की बात करें, दोनों में किस तरह के काम जो है मनोहर लाल की ओर से किए जाते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल, दोनों विभाग की जिम्मेदारी है, दोनों बेहद मुख्य डिपार्टमेंट भी हैं, जिस तरह से मनोहर लाल को जो ये जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि देखिए विपिन इस बार कई मंत्रालय ऐसे हैं जहां पर मंत्री रिपीट हुए हैं, लेकिन कई मंत्रालय ऐसे हैं जहां पर हमें नए चेहरे देखने को मिल रहे हैं। देखिए बिल्कुल, क्योंकि इस बार का जो सरकार का गठन भी है उसमें भी कई चेंजेस हुए और आपको अपने सहयोगियों को भी साथ लेकर चलना होता है, एनडीए के सहयोगियों को आपको साथ लेकर चलना है, तो ऐसे में सबकी भागीदारीता जो है वो उसी हिसाब से सुनिश्चित करनी थी, तो इसी कड़ी में कहीं ना कहीं तमाम चीजें अगर बात करें और जो आवंटन हुआ है या आवंटित किए गए हैं विभाग, उसमें जो है एक तालमेल बिठाने का काम किया गया है कि आप किस तरह से तमाम लोगों को सम्मान देते हुए तमाम लोगों का जो है उसी हिसाब से, जिस तरह से मैंने पहले कहा कि एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से जो है लोगों को उनकी एक्सपर्टीज के हिसाब से जो है लोगों के लिए फायदा पहुंचाया जा सकता है, यही काम यहाँ पर किया गया है। जितने विभाग आवंटित किए गए हैं उन तमाम लोगों का एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज और साथ ही साथ जो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो उनका राजनीति से परे एक व्यक्तिगत अनुभव जो रहता है वो उसको भी देखा गया है, तो तमाम चीजें किसी के दहेज के साथ जो है वो तय करने का काम किया गया है। बिल्कुल विपिन, जिस तरह से मनोहर लाल को जो ये दो मंत्रालय दिए गए हैं, क्या लग रहा है हरियाणा में इसका कोई फायदा और देखने को मिलेगा? देखिए हरियाणा की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं दोनों परिस्थितियों में अगर बात की जाए तो लाजमी सी बात है, क्योंकि आप जिस स्टेट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं उस स्टेट के लिए आपके मन में एक भाव रहता है, उस स्टेट के लिए आपके जो है आपने जो 9.5 साल दिए उसको लेकर अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं तमाम चीजें रहती है, ना केवल स्टेट बल्कि पूरे देश को इसका लाभ जो है वो रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से मैंने बताया कि एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस ये दोनों चीजें जो है वो किसी भी चीज को सुनिश्चित करने के लिए बेहद ज्यादा जो है वो जरूरी होती है, और यहाँ पर दोनों चीजों को सुनिश्चित करने का काम जो है पोर्टफोलियो आवंटन के समय किया। बिल्कुल, क्योंकि अभी तो मनोहर लाल खट्टर ने आधिकारिक रूप से कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। देखिए फिलहाल क्योंकि तमाम पोर्टफोलियोज को देखना, समझना, उन पोर्टफोलियोज के साथ किस तरीके से जाना है, ये तमाम चीजें जो है वो रहती हैं, और किस तरीके से जो है तमाम अपने पोर्टफोलियोज का कामकाज जो है वो देखने का काम जो है वो किया जाएगा, इस पर भी कहीं ना कहीं ध्यान रहेगा, और फिलहाल की प्रायोरिटाइज जो चीजें रहती हैं वो यही हैं कि आप किस तरीके से जो है वो अपने विभागों को टेक ओवर करते हैं, उन तमाम फाइलों को समझने का काम करते हैं, जो परियोजनाएं चल रही हैं उनको आगे किस तरीके से बढ़ाया जाएगा, कितना काम हुआ, कितना काम होना बाकी है, ये तमाम चीजें हैं जो कि पहले स्टडी की जाएंगी और उसी के बाद जो है आधिकारिक तौर पर जो है वो कोई बयान जो है वो जारी किया जाएगा।
बिल्कुल विपिन, क्योंकि आज कैबिनेट की बैठक में भी 3 करोड़ लोगों को जो आवास देने को लेकर बातचीत हुई है, जो पूरी मंत्रणा हुई है, उसके बाद ये मुख्य मंत्रालय हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय मनोहर लाल खट्टर को देना, ये कहा जा सकता है कि अब कोई और डेवलपमेंट, कोई बड़ा डेवलपमेंट हमें आगे देखने को मिलेगा। देखिए, तमाम चीजें ध्यान में रखते ही जो है ना केवल मनोहर लाल बल्कि बाकी मंत्रियों को भी जो है वो डिपार्टमेंट एलोकेट करने का काम किया गया है, और इसमें तमाम चीजों को ध्यान में रखा जाता है। आप जब डिपार्टमेंट एलोकेशंस की बात करते हैं तो हर विभाग से ये उम्मीद रहती है कि जिस सोच के साथ आपको ये डिपार्टमेंट दिया जा रहा है या जिस सोच के साथ जो है डिपार्टमेंट आपको सुपुर्द किया जा रहा है, उसी सोच के साथ जो है वो आगे बढ़े। और लाजमी सी बात है कि जिस तरीके का एक जो प्रधानमंत्री अपने वक्तव्य में लगातार कहते भी हैं कि कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति तक तमाम चीजों का लाभ पहुंचे, उसी तहत जो है कहीं ना कहीं अब देखना ये होगा कि किस तरीके से जो है डिपार्टमेंट्स को टेक ओवर करने के बाद जो है तमाम मंत्री काम करते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विपिन इस पूरी बातचीत के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। तो जिस तरह से मोदी सरकार में विभागों का अब बंटवारा शुरू हो गया है, मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा मंत्रालय और हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ये 2 मुख्य मंत्रालय हैं जो उन्हें दिए गए हैं, और अब ये कहा जा रहा है कि इसके बाद मनोहर लाल खट्टर की जो जिम्मेदारियां हैं वो न सिर्फ राज्य के प्रति बल्कि पूरे देश के प्रति और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ये दोनों ही बहुत मुख्य मंत्रालय हैं। और ख़ासतौर पर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की अगर बात कर ली जाए तो ये कहीं ना कहीं पीएम मोदी के सपनों को पूरा करने वाला मंत्रालय है, क्योंकि आज कैबिनेट की बैठक में भी 3 करोड़ लोगों को जो घर आवंटित करने को लेकर ये पूरी बैठक हुई है, उसके बाद ये मंत्रालय मनोहर लाल खट्टर के पास जाना, यानी एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मोदी कैबिनेट में मिली है। और इसके अलावा आपको बता दें और भी कई बड़ी जानकारी सामने आ रही है, तमाम जो मंत्री हैं उनके विभागों का बंटवारा शुरू हो गया है। अजय टम्टा परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री रहेंगे, चिराग पासवान को खेल युवा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है, युवा मंत्री के तौर पर वो जाने जाते हैं, इसी वजह से उन्हें देखिए खेल जो मंत्रालय है वो चिराग पासवान के पास है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जसवीर कादियान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। जिस तरह से अभी बात कर रहे थे मंत्रालयों के बंटवारे की, सर देखिए कई जो विभाग हैं उनमें तो हमें वही पुराने चेहरे नजर आ रहे हैं, लेकिन कई मंत्रालय ऐसे हैं जहां इस वक्त नए और कई युवा चेहरे भी नजर आ रहे हैं। जी देखिए, मैं हरियाणा के संदर्भ में बात करूं तो सबसे जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है वो ये है, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को 2 बड़े मंत्रालय, बिजली मंत्री और शहरी विकास अर्बन डेवलपमेंट, ये दोनों मंत्रालय अपने आप में काफी बड़े मंत्रालय हैं। और अगर आप अतीत में देखेंगे तो ये दोनों मंत्रालय अलग अलग लोगों के पास थे, अलग अलग कैबिनेट मिनिस्टर इसको हैंडल कर रहे थे, और न केवल कैबिनेट मिनिस्टर हैंडल कर रहे थे बल्कि उनके अंडर MOS भी थे। बिजली मंत्रालय में तो हरियाणा के ही MOS थे कृष्णपाल गुर्जर, और केंद्रीय मंत्री RK सिंह जो कि पहले IAS ऑफिसर भी रहे हैं, तो वो थे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के लिए एक बड़ा सम्मान है, उनके लिए बड़ी चुनौती है। इससे ये पता लगता है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुड बुक्स में है। करीब करीब 9.5 साल वो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनका एक वृद्ध प्रशासनिक अनुभव भी है। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के तौर पे जो उनका प्रशासनिक अनुभव रहा है, प्रधानमंत्री उस अनुभव से उनका लाभ लेना चाहते हैं, और जिस तरह की छवि एक अच्छे प्रशासक के तौर पे मनोहर लाल जी की रही है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि वो देश में इन दोनों मंत्रालयों को ठीक से संभाल पाएंगे, बेहतर नेतृत्व दे पाएंगे। जी बिल्कुल जसवीर जी, लेकिन अगर बात कर ली जाए जो ये 2 मंत्रालय इनको मिले हैं मनोहर लाल खट्टर को, आखिर इसके पीछे क्या वजह रही होगी, क्यों पीएम नरेंद्र मोदी ने मनोहर लाल खट्टर को ही चुना इन 2 बड़े मंत्रालयों के लिए? एक उसकी एक वजह तो ये हो सकती है कि हरियाणा में जब मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे तो बिजली क्षेत्र में उन्होंने काफी अच्छा काम किया, जो बिजली निगम घाटे में चल रहे थे उनकी सरकार में वो प्रॉफिट में आए, तो जो लोग बिजली के बिल नहीं भरते थे, खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने पब्लिक रैलीज में अपील की कि बिजली फ्री में देना बड़ा मुश्किल है, हम पैसे से इसको खरीदते हैं तो लोगों को फ्री में देना बड़ा मुश्किल है,
तो उनके आह्वान का असर भी हुआ, लोगों ने बिजली के बिल देने शुरू भी किए। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि बिजली के क्षेत्र में उनका एक अच्छा खासा अनुभव है। उन्होंने जो अरबों रुपए के जो घाटे में बिजली निगम थे उनको फायदे में लाए, तो उनका ये अनुभव यहाँ पे काम आएगा। दूसरा, शहरी मंत्रालय में क्योंकि बीजेपी को बेसिकली हरियाणा में शहरी क्षेत्रों में उनका ज्यादा असर रहा है, शहरी क्षेत्रों की समस्याओं को वो ज्यादा करीब से देखते हैं, उनका निराकरण करते हैं, तो उसमें भी उनका एक अच्छा खासा अनुभव है। तो मुझे लगता है कि उनके अनुभव को तरजीह दी गई है, उनकी प्रशासनिक दक्षता को, क्षमता को प्रधानमंत्री जी ने सम्मान दिया। जी बिल्कुल यशवीर जी, क्योंकि अब देखा जाए तो अब जो जिम्मेदारी है वो मनोहर लाल खट्टर की और ज्यादा हो जाती है, यूं कहा जाए कि डबल हो जाती है। ऊर्जा मंत्रालय भी उनके पास है और पीएम मोदी के सपनों का जो मंत्रालय है, उनके सपनों को पूरा करने का जो मंत्रालय है वो भी मनोहर लाल खट्टर के पास है। जी बिल्कुल, ये दोनों ही मंत्रालय आम आदमी से जुड़े हुए हैं, साधारण आदमी से जुड़े हुए हैं। खास तौर पे प्रधानमंत्री का एक लक्ष्य प्रोग्राम हाउसिंग फॉर ऑल, और उनकी ये कोशिश है कि गरीब लोगों को अपना घर दिया जाए, सस्ता घर दिया जाए, और उनकी सरकार इसके लिए काम भी कर रही है। ये एक चुनौतीपूर्ण दायित्व, मैं कहूँगा, मनोहर लाल जी को प्रधानमंत्री जी ने दिया। बिल्कुल यशवीर जी, आपको यहीं पर रोकना चाहेंगे और ये 6 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, ये कल के शपथ ग्रहण समारोह की ये तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में आपको अमित शाह नजर आ जाएंगे, दूसरी तस्वीर में राजनाथ सिंह, तीसरे में जेपी नड्डा और चौथी तस्वीर में मनोहर लाल खट्टर, पांचवी में शिवराज सिंह चौहान और छठी तस्वीर में निर्मला सीतारमण। और देखिए उसके बाद अब जो नए मंत्रालय इनके पास हैं, अमित शाह के पास गृह मंत्रालय ही है, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय उनके पास है, रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी इस बार भी राजनाथ सिंह के पास है। देखिए स्वास्थ्य मंत्रालय इस बार जेपी नड्डा को मिला है, माना जा रहा था कि इस बार जेपी नड्डा को कोई खास मंत्रालय मिलेगा, तो स्वास्थ्य मंत्रालय इस वक्त जेपी नड्डा को मिला है। ऊर्जा मंत्रालय और हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय, ये दो बड़े मंत्रालय हैं जो इस वक्त मनोहर लाल खट्टर के पास हैं। शिवराज सिंह चौहान के पास कृषि मंत्रालय है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है, कृषि मंत्रालय, और निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय ही सौंपा गया है। वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी इस बार निर्मला सीतारमण के ही पास होगी। यशवीर जी देखिए यहाँ पर कई मंत्रालय ऐसे हैं जिनमें बदलाव भी देखने को मिला है, कई मंत्रालय ऐसे हैं जहाँ हमें चेहरे एक बार फिर से रिपीट होते हुए नजर आ रहे हैं। वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण के पास है, तो वहीं जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है और माना भी जा रहा था कि शायद इस बार उन्हें एक मजबूत और एक बड़ा मंत्रालय दिया जाएगा। उनका जब वो इस महकमे में उनका पुराना अनुभव है, तो मुझे लगता है कि उनके अनुभव को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने उनको ये मंत्रालय दिया है। जगत प्रकाश नड्डा के पास संगठन मामलों का भी काफी विस्तृत अनुभव रहा है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उससे पहले वो हिमाचल सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूंगा। तो उनकी जो प्रशासनिक क्षमता है, दक्षता है, संगठन मामलों का अनुभव है, तो कुल मिला के जिस तरह का एक पैकेज ओवरऑल मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने दिया, और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी काफी चुनौतीपूर्ण दायित्व उनके पास रहेगा। जी बिल्कुल यशवीर जी, देखिए नए कैबिनेट के गठन के बाद जो दो बड़े काम पीएम नरेंद्र मोदी ने किए, पहला काम उन्होंने किसानों के लिए किया, दूसरा काम उन्होंने 3 करोड़ लोगों को उनका घर आवंटित करने को दिया, और ये दोनों ही मंत्रालय इस वक्त कृषि मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान के पास हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश में एक बड़ी जीत दर्ज की है, 29 की 29 सीटें बीजेपी के खाते में आई है। तो वहीं हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय की बात कर ली जाए तो वो मनोहर लाल खट्टर के पास है। शिवराज सिंह को जो ये कृषि मंत्रालय मिला है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए मुख्यमंत्री के तौर पर भी शिवराज सिंह चौहान का प्रदर्शन बड़ा शानदार है, वो कई दफा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, और इस दफा का जो लोकसभा का चुनाव था उनका यही कहना था कि हम 29 की 29 सीट, जो छिंदवाड़ा जो कमलनाथ जी की पैतृक सीट थी और उनके बेटे नकुलनाथ इस दफा लड़ रहे थे, तो शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि हम इस दफा छिंदवाड़ा सीट भी भाजपा के पाले में लाएंगे, और जैसा कि उन्होंने कहा उनको वो कर दिखाया,
हालांकि जब उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था तो बहुत से एक ये इस तरह का भी सुना गया था कि कहीं ना कहीं उनको साइडलाइन किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से अब प्रधानमंत्री ने उनको कृषि जैसा अहम मंत्रालय दिया है तो एक तरह से मैं कहूंगा कि शिवराज सिंह चौहान का सियासी पुनर्वास भी हुआ है और उससे यह भी साबित होता है कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने उनसे बड़ी भारी भरकम उम्मीदें लगा रखी हैं। भारत जैसे देश में जो कि एक कृषि प्रधान हमारा देश है वहाँ पे किसानों के मसले काफी महत्वपूर्ण है और कोई भी सरकार किसानों को अनदेखा करने का जोखिम नहीं ले सकती, तो इसलिए मुझे लगता है कि उनको बड़ी चुनौतीपूर्ण दायित्व प्रधानमंत्री जी ने दिया है। बिल्कुल यशवीर जी, इस सरकार में हमने किसानों की नाराजगी भी देखी है कि किस तरह से किसान सड़कों पर आ गए थे, वो नाराजगी भी हमने देखी है। तो कृषि मंत्रालय शिवराज सिंह के पास है, यानी इस बार पीएम नरेंद्र मोदी को एक बड़ी उम्मीद भी है शिवराज सिंह चौहान से और एक बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान को दी गई है। देखिए, शिवराज सिंह चौहान की जो छवि है वो एक नरम मिजाज नेता की है, सबको साथ लेके चलने की वो कोशिश करते हैं और मध्य प्रदेश में उनको उन्होंने कई सामाजिक क्षेत्र में लोकप्रिय योजनाएं चलाई जिस कारण से उनको मामा के नाम से भी किताब से भी लोग संबोधित करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो मोदी सरकार से किसानों के मसले को हैंडल करने में कहीं ना कहीं अतीत में जो मैं कहूंगा थोड़ी सी चूक हुई है तो उसकी भरपाई भी करने की कोशिश शिवराज सिंह चौहान करेंगे, किसानों को और सरकार के करीब लाने की वो कोशिश करेंगे जिस तरह का उनका स्वभाव है। जी बिल्कुल, क्योंकि इस बार उम्मीदें जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी की तमाम अपने मंत्रियों से हैं और जिस तरह से उनको जो विभाग बांटे गए हैं, जिम्मेदारियां भी बढ़ी हैं, किसानों की नाराजगी भी हमने देखी है कि इस सरकार में कितनी ज्यादा थी, तो कहीं कहीं ना कहीं लोगों का एक आरोप भी रहा है कि जितने वादे बीजेपी सरकार ने उन्हें घर देने के किए थे वो कहीं ना कहीं पूरे नहीं हो पाए हैं। इसलिए माना जाए कि ये जो दो बड़ी जिम्मेदारियां हैं दो नए चेहरों को दी गई हैं। जी, जाहिर सी बात है कि दोनों ही जो लोग हैं, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान की बात करें या मनोहर लाल खट्टर जी की बात करें, दोनों ही लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके पास प्रशासनिक अनुभव है, वो दक्ष हैं इस मामले में, वो ठीक से हैंडल कर सकते हैं जी। और इसी लिहाज से उनको ये बड़े मंत्रालय दिए गए हैं और जिस तरह से मनोहर लाल जी को दो मंत्रालय दिए गए हैं वो साफ साफ ये साबित करता है कि प्रधानमंत्री जी उनके उन पर कितना भरोसा करते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि सर देखिए जिस तरह से वो भरोसा कर रहे हैं उसी तरह से उन्होंने दो मंत्रालय भी उन्हें सौंपे हैं। बात अब यहाँ पर अगर जेपी नड्डा की कर ली जाए तो उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है और ये माना भी जा रहा था कि जिस तरह से उन्होंने बीजेपी की सेवा की है, लगातार वो बीजेपी के साथ बने रहे, तो उन्हें इस बार कोई बड़ा मंत्रालय जरूर मिलेगा। तो स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी इस वक्त जेपी नड्डा के पास है। जी देखिए, जेपी नड्डा जी का कार्यकाल भी खत्म हो चुका था लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वो थोड़ा सा लंबा किया गया जी। और भाजपा अगर चाहती तो उनको जरूरी नहीं है कि मंत्री बनाती, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनकी कार्य करने की जो क्षमताएं हैं, जो दक्षताएं हैं, जो उनका अनुभव है या जो उनके अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी के साथ रिश्ते हैं, उन सब का मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको लाभ मिला है और उनको एक हैवीवेट मंत्रालय का दायित्व दिया गया। बिल्कुल, क्योंकि देखिए पिछले कैबिनेट के अधिकतर मंत्रियों के विभागों में बदलाव नहीं किया गया है, इसके पीछे का कारण क्या माना जाए? देखिए, जो पिछली कैबिनेट में अगर आप देखेंगे तो जो हैवीवेट मंत्री थे या हैवीवेट मंत्रालय थे वो उनके पास थे। अगर हम बात करें रक्षा मंत्रालय राजनाथ जी के पास था, गृह मंत्रालय अमित शाह जी के पास था, रोड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी देख रहे थे ये, या बाकी बात करें जयशंकर जी की बात करें, निर्मला सीतारमण की बात करें, ये सारे लोग अपने मंत्रालय में काफी दक्ष थे और बहुत अच्छे से उसको संभाल रहे थे। तो ऐसे मौके पे जब प्रधानमंत्री जो अर्थव्यवस्था को दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो की मिनिस्ट्रीज हैं उनमें अनुभवी लोग हों, उसमें ऐसे लोग हों जो कि जो पहले दिन से मंत्रालय को ठीक ढंग से चला पाए। वो यहाँ पे सीखने के लिए किसी की जगह स्कोप नहीं है, कोई आदमी आए 6 महीने 8 महीने 1 महीने
या एक साल वो काम समझे और उसके बाद वो ठीक से मंत्रालय को दिशा दे, क्योंकि अगर हम बात करें एक देसी भाषा में कहें, इन सब का इन मंत्रालयों पे हाथ बैठा हुआ था, इनको पता है कि कौन क्या है, कैसे काम हमने शुरू करना है, कैसे काम को हमने अंजाम तक पहुंचाना है। तो इनके काम अनुभव लिए हुए सारे लोग थे और किसी का प्रधानमंत्री जी ने उनको लाभ लेने का निश्चय किया और उनको ये सब मंत्रालय मिले। जी बिल्कुल, यानी जितना आपका अनुभव, जैसा आपका अनुभव, उस हिसाब से आपको मंत्रालय यहाँ पर दिए गए हैं। क्योंकि देखिए, जैसे ही पीएम मोदी ने पदभार ग्रहण किया, यशवीर जी सबसे पहला काम उन्होंने किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त से जुड़ी जो फाइल थी वो उन्होंने साइन की है। उसके बाद ये मंत्रालय मिलता है, कृषि मंत्रालय मिलता है शिवराज सिंह चौहान को, जो एक कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाते हैं, एक अनुभवी नेता के तौर पर जाने जाते हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश के। और इस बार जिस तरह से उन्होंने अब 29 की 29 सीटें बीजेपी के खाते में डाली है, तो उनको ये बड़ा मंत्रालय मिलना बिल्कुल वाजिब होता है। यशवीर जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। और हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, अभी यशवीर जी से भी बात हो रही थी, वरिष्ठ पत्रकार हैं वो, और वो जिस तरह से बता रहे थे कि जो ये